नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपके साथ शेयर किया था उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि क्या कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, कॉम्बिनेशन सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस क्या होता है, डिजिटल सर्किट में जब डिज़ाइनिंग के पार्ट में जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन में दे के रखा था, जो कॉम्बिनेशन सर्किट का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको, प्रैक्टिकल्स बताया था कि कहाँ पे हम कॉम्बिनेशन सर्किट को यूज़ करते हैं, कहाँ पे सिक्वेंशियल को यूज़ करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में शेयर किया था। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मल्टीप्लेक्सर के बारे में, ठीक है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में और मेरा नाम है सत्यम, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर को सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ अ मल्टीप्लेक्सर। सो मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें कि क्या होता है, बेसिक हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को यूज़ करते हैं। अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ मल्टीप्लेक्सर, तो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सर इज़ अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट इज़ अ मेमोरी लेस एलिमेंट एंड दैट कैन ट्रांसफर और ट्रांसमिट द मेनी नंबर ऑफ डेटा इन टू अ सिंगल लाइन, ठीक है। होता क्या है मल्टीप्लेक्सर में कि बहुत सारे डेटा को हम लोग एक लाइन से ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। तो सपोज करो, ठीक है, जैसे कि आप सपोज करो कि आपको 5 को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। 5 को ट्रांसमिट करना है तो 5 हमारा एक ऐसा 3-बिट नंबर है, ठीक है। 5 हमारा क्या है, 3-बिट नंबर है। 3-बिट में अगर उसे मैं बाइनरी में लिखता हूँ तो बाइनरी में मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 101, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि 3x1 का मल्टीप्लेक्सर आता नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर चाहिए, यानी नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे आपके, 4 होंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, तो आपने जब डेटा क्या क्या दिया, 1, यहाँ पे आपने क्या कर रहे हो, 101 दे रहे हो, था ना। तो ये फर्स्ट बिट 0 हो गया, 101। इस तरह से क्या कर रहे हो, आप डेटा को दे रहे हो, यहाँ से आप क्या निकाल रहे हो, डेटा को अगेन निकाल रहे हो। ये सब मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि कैसे मक्स डीमक्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि अकेला जब भी हम यूज़ करेंगे तो मक्स डीमक्स को एक साथ यूज़ करेंगे, या कोडर और डिकोडर को एक साथ यूज़ करते हैं, यानी इनकोडर और डिकोडर एक साथ यूज़ होता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग बेसिक डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ से जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, तो मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि मेमोरी लेस होता है, जिसमें मेमोरी की नीड नहीं होती। मेमोरी लेस का मतलब क्या हो रहा है कि जो आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो और जो आपको आउटपुट मिला, ठीक है। जैसे कि इस यहाँ से आपने 5 ट्रांसमिट किया, सपोज करो यहाँ से आपको 5 आउटपुट मिल गया, तो वापस से ये आउटपुट यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। आउटपुट आपको आगे चल करके खत्म हो जाएगा, जैसे आप इनपुट को चेंज करते जाओगे आउटपुट चेंज होगा, आउटपुट स्टोर नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा मेमोरी लेस होता है। मेमोरी लेस का मतलब क्या होगा कि फीडबैक हमारा जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है, विदाउट फीडबैक होगा, ठीक है, सिस्टम। यानी फीडबैक का मतलब यही होगा कि जो हमें इनपुट होगा वो रिवर्स नहीं कर पाएंगे। और यही एडवांटेज हमें मिलता है सिक्वेंशियल सर्किट में, कि सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट आया, जैसे 5 आया, तो हम इस 5 को क्या करेंगे, स्टोर करा देंगे और फिर हम दूसरा डेटा देंगे। फिर मान लो अगर 6 आया, फिर 7 आया, तो ये 6 भी यहाँ जाकर स्टोर रहेगा, 7 भी हमारा क्या होगा, स्टोर होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट को। अब देखते हैं मल्टीप्लेक्सर कितने कितने तरह का होता है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर की मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं अभी जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैं क्या कर रहा हूं, आपको मल्टीप्लेक्सर का बेसिक बताऊंगा कि कितने तरह का होता है, फिर एक दो क्वेश्चन, और उसके बाद फिर बताऊंगा डिजाइनिंग ऑफ मक्स, मक्स को कैसे डिजाइन करते हैं। फिर आपको ये पता नहीं, आपको केवल ये पता है कि 5, 6, 7 है, उसके बाद आप मक्स को कैसे डिजाइन करते हो, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको बताता हूं कि कितने तरह के हमारे पास मक्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, तो मक्स का मतलब क्या होता है, मक्स में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मक्स में, तो मक्स में हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स ज़्यादा होते हैं, एन हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, ठीक है। मानता हूँ मैं कि हमारे पास एन नंबर ऑफ इनपुट है, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट चलते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो, इसमें होता है हमारा आउटपुट होता है। तो मल्टीप्लेक्सर में एक चीज़ ये फिक्स होता है कि जो नंबर ऑफ इनपुट है आपके, ये एन इनपुट है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका इंपॉर्टेंट होता है, सिलेक्शन लाइन, ठीक है, ये हमारे क्या है, सिलेक्शन लाइन है, ठीक है। मैं मानता हूँ इसे ये हमारा एम सिलेक्शन लाइन है, ठीक है, और एन हमारे इनपुट है, और आउटपुट तो आपको एक ही आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये अगर, तो ये हमारा क्या हुआ, एन क्रॉस वन का एक मक्स हुआ, ठीक है, एन क्रॉस वन का एक हमारा क्या हुआ, मक्स हुआ। बेसिक हम आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लेक्सर में जो होता है कि नंबर ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा होंगे, आउटपुट एक ही मिलने वाला, इनपुट को क्या कर सकते हो, आप वेरी कर सकते हो, जैसे कि इनपुट 2 हो सकता है, 4 हो, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, यानी जो भी होगा वो 2 के पावर में होगा, ठीक है, 2 के पावर में ही हमारा होगा, ठीक है, जो भी। तो अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं 2 क्रॉस 1 का मक्स लेता हूं, तो यहां पे आपको देखना क्या है कि 2 का पावर कितना है, 1, यानी जो ये जो 1 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सिलेक्शन लाइन, ठीक है, ये आपको वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलेक्शन लाइन। दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट, ठीक है, ये आपका आउटपुट है। और ये जो 2 का पावर ओवरऑल, जो ये 2 का पावर 1 आ रहा है, ठीक है, ये जो 2 का पावर 1 है,
ये आपका क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हमारे पास एक 4x1 का मक्स है, ठीक है, 4x1 का मक्स है, ठीक है, यानी मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर को हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मक्स लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 4x1 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो मैं 2 का पावर 2 × 1 कर सकता हूँ। अब देखो 2 × 2 का पावर 1 करूँगा तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन है ये हमारा क्या है, 2 है ना। ये सिलेक्शन लाइन जो है हमारा, सिलेक्शन लाइन हमारा कितना है इसमें, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन 2 है। अब देखो ये 1 क्या है आपका, ये आउटपुट हमारा हो गया ना, ये क्या हमारा आउटपुट है, एक आउटपुट ही होगा। और ये जो 2 का पावर 2 ओवरऑल जो आ रहा है ये क्या आ रहा है आपका, 2 का पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर जो है ये 4 है, यानी 4 क्या हुआ आपका, इनपुट हुआ, ठीक है। इस तरह से हम लोग बेसिक क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई करते हैं, बेसिक समझते हैं कि हमारा मक्स का पैरामीटर कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिलेक्शन लाइन कैसे निकालते हैं, आउटपुट क्या होता है। ये याद रखना है कि जो आपका मल्टीप्लेक्सर होगा वो हमेशा 2 के पावर में ही होगा, ठीक है, यानी 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3। तो इस तरह से हमारा होता है, ठीक है। अब देखो बात करता हूँ अगर मक्स के बारे में, तो मक्स हमें कैसा मिलता है, मक्स कैसा होता है। जैसे मैंने बताया कि 2 का पावर में होता है, तो हमारा 2 का पावर 1 यानी 2 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, इस तरह से हमारा चलते जाएगा। यानी इससे क्या पता चल रहा है, ये देखो आप मक्स इसी फॉर्म में आपको मक्स मिलेगा, जो मल्टीप्लेक्सर होगा वो इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे 2x1 का मक्स होगा, 4x1 का मक्स होगा, 8x1 का मक्स होगा, और 16x1, 32x1, 64x1, इस तरह से हमारा क्या होता है, मक्स होता है। इसी को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो 2 का पावर 1 × 1, ठीक है, इसे करता हूँ तो 2 का पावर 2 × 1, इसे एक्सपेंड करता हूँ तो 2 का पावर 3 × 1, इसे एक्सपेंड करता हूँ तो 2 का पावर 4 × 1, इसे एक्सपेंड करता हूँ तो 2 का पावर 5 × 1, इसे एक्सपेंड करता हूँ तो 2 का पावर 6 × 1, ठीक है। इस तरह से पता चला, यानी इसमें ये हमें क्या दिख रहा है कि ये जो हमारा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और ये 6 है, ये ठीक है। तो ये हमारा 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये 6, ये हमारा सबका सब क्या, ये हमारा सिलेक्शन लाइन है ना, ये हमारा सिलेक्शन लाइन है। तो सिलेक्शन लाइन बेसिक निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितने हमारा पावर में जा रहा है, ठीक है। अब अगर आपको ये भी पता नहीं है तो आप बिट से डिफाइन कर सकते हो कि नंबर ऑफ बिट कितने, जितने नंबर ऑफ बिट होंगे आपके उतने। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, समेशन है, जिसका कि वैल्यू दिया हुआ 01, ठीक है, 01457। अब देखो ये आपको पता चल रहा है कि 0 to 7 जा रहा है, यानी 0 to 7 जा रहा है, तो हमारा ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम 3 बिट हो सकता है, मैक्सिमम 3 बिट हो सकता है ना, यानी 2 का पावर 3 यानी कितना हुआ, 8, यानी ये 0 to 7 लाइज करेगा, ठीक है, यानी हमारा ऑक्टल सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है, ये 0 to हमारा 7 होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा 3 होगा, ये 3 क्या हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन लाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग बेसिक करते हैं। बाकी 1 1 1 सब क्या है, ये आपका आउटपुट है, और ये जो 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर 4, जितने भी आएंगे सब क्या होंगे, नंबर ऑफ इनपुट होंगे आपके, ठीक है। अब जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ वो है कि इसका आउटपुट लिखते कैसे हैं मल्टीप्लेक्सर का, ठीक ठीक है। देखो जैसे कि मैं फर्स्ट वन ले रहा हूँ कि मेरे पास सपोज करो कि 2x1 का मक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 2 का पावर 1 × 2 है, नंबर ऑफ जो सिलेक्शन लाइन हो गए, यानी आपके जो सिलेक्शन लाइन हो गए वो कितने हो गए, 1, ठीक है, सिलेक्शन लाइन 1 हो गया। इनपुट कितना आपका हुआ, 2 हुआ, ठीक है। अब देखो मक्स कैसे बनाते हैं, सिलेक्शन लाइन 1 है तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है, एक हमारे पास ये मक्स हो गए सपोज करता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट कितने, 2 हैं, तो मैं मान लेता हूँ ये एक इनपुट है, एक इनपुट ये, इसे सपोज करो मैं मानता हूँ I0, इसे मानता हूँ I1, ठीक है। सिलेक्शन लाइन आपका एक ही है, तो ये मान लो, तो मैं मानता हूँ इसे ए मान लेता हूँ, ठीक है, ए मान लेता हूँ, ठीक है, ए हमारा ये एस मान लेता हूँ, ठीक है, ये एस हमारा सिलेक्शन लाइन है। अब जो आपका आउटपुट आएगा, ठीक है, अब जो आपका आउटपुट फंक्शन आने वाला है, ये क्या आने वाला है, अब हम इसे चेक करेंगे, ठीक है, ये हमारा फंक्शन क्या आ रहा है। तो अब ये देखो आप, ये एस है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एसओपी के टर्म में, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एसओपी के टर्म में, तो एस का 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 0 या तो 1, ठीक है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो पहला हमारा क्या हो गया, 0, सेकंड क्या होगा हमारा, 1, ठीक है, 0, 0 का मतलब क्या हो रहा है, एस कॉम्प्लीमेंट, 1 का मतलब क्या हो रहा है, एस, ठीक है। अब करना क्या है आपको, कि इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और ऐड कर देना एसओपी में, यही हमारा क्या फंक्शन आएगा। तो जो हमारा फंक्शन निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, एस कॉम्प्लीमेंट डॉट I0 प्लस एस डॉट I1, दिस इज आर आउटपुट, आपको यही याद रखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर मान लो, अब मैं अगर 4x1 मक्स की बात करता हूँ, आप एक दो मैं बताता हूँ 4x1 और फिर 16x1, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि हम इसे फंक्शन को लिखते कैसे हैं। लोग क्या करते हैं, इसे याद करते हैं, ठीक है, बट याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस कॉम्बिनेशन बनाने आना चाहिए, ठीक है। अब आपको समझाता हूँ मैं कि 4x1 मक्स के बारे में। अब मैं लेता हूँ 4x1 का मक्स, ठीक है। अब देखो 4x1 के मक्स में क्या हो रहा है कि मैं 2 का पावर 2 × 1 ले रहा हूँ, ठीक है, 2 का पावर 2 × 1, तो ये हमारा 2 क्या है, सिलेक्शन लाइन है,
मैंने आपको बता दिया कि सिलेक्शन इनको लिखते कैसे हैं, और टोटल नंबर ऑफ जो इनपुट आपका है वो कितना है, 4 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, सॉरी 2 का क्या है हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 नंबर ऑफ क्या हुए हमारे, इनपुट हो गए, ठीक है, 4 नंबर ऑफ हमारे क्या हुए, इनपुट हुए। तो मक्स सिलेक्शन लाइन 2, तो अब देखो मैं इस तरह से इसे बना सकता हूँ, ठीक है। हमारे नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। सिलेक्शन लाइन कितना हमारे पास, 2 है, 1 एंड 2। सपोज करता हूँ ये मेरा S1 है, ये हमारा S0 है, ठीक है। आउटपुट आपको पता है कि मल्टीप्लेक्सर में जो होता है वो एक ही आउटपुट होता है, ठीक है। हमें ये क्या करना है, निकालना है कि ये क्या होगा, ठीक है। इसे मैं सपोज करता हूँ कि ये I0, I1, I2, ये हमारा I3 है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा है ये मक्स कितना है, 4x1 का मक्स है। अब आप ये देखो कि नंबर ऑफ सिलेक्शन जो हमारे सिलेक्शन लाइन है वो कितने, 2 बिट के हैं। तो जब सिलेक्शन लाइन 2 बिट का है तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो 00, या तो 01, या तो 10, या तो 11, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ इसे यहाँ लिख दूंगा, 00 01 10 11, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन बन गया। अब आपको पता होता है कि SOP में 0 का जो मतलब होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी पहला क्या हमारा S1, तो S1 कॉम्प्लीमेंट डॉट S0 कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या मैं करूँगा, S1 कॉम्प्लीमेंट डॉट S0, इसमें क्या करने वाला हूँ मैं, S1 डॉट S0 कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या करूँगा, S1 डॉट S0, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जो आपका फाइनल जो फंक्शन आने वाला है, आपका ये जो फंक्शन आने वाला है, ये फंक्शन क्या आएगा, देखो S1 कॉम्प्लीमेंट डॉट S0 कॉम्प्लीमेंट I0, ठीक है, प्लस S1 कॉम्प्लीमेंट डॉट S0 डॉट I1, ठीक है, प्लस S1 डॉट S0 कॉम्प्लीमेंट I2, प्लस S1 डॉट S0 डॉट I3। ये हमारा क्या आएगा, फंक्शन आएगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। अब करना क्या है आपको, अब देखो शॉर्टकट तरीका क्या होता है मल्टीप्लेक्सर को सॉल्व करने का, ठीक है। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ शॉर्टकट तरीका क्या होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1 0 0 1, ठीक है। अब करना क्या आपको, अब 0 0 तो पता है कि मल्टीप्लाई होने के बाद खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस दोनों की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे ये निकाल लिया है S1 कॉम्प्लीमेंट, तो S1 कॉम्प्लीमेंट डॉट S0 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डॉट 1, प्लस ये तो खत्म हो गया मेरा I1 I2, अब आया लास्ट वाला, प्लस S1 डॉट S0 डॉट 1, ठीक है। फंक्शन क्या है, S1 कॉम्प्लीमेंट डॉट S0 कॉम्प्लीमेंट प्लस S1 डॉट S0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, X1 XNOR X0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो हो सकता है कि ये A और ये B फंक्शन होता है, ठीक है, ये A और B फंक्शन होता है। तो अब आप क्या कर लेते, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस AB, ठीक है, ये आपका फंक्शन आता। अब सपोज करो कि A और B बराबर आपको वैल्यू दे देता, बोलता है कि A बराबर जो है A इज इक्वल टू 0 है और B इज इक्वल टू 1 है। तो अब क्या आप कर लेते, पुट कर देते। तो देखो A का वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 कॉम्प्लीमेंट 1.1 प्लस 0.1, यानी आपका जो फंक्शन फाइनली जो आउटपुट आपका आया, यहाँ से क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बेसिक मल्टीप्लेक्सर को भी यूज़ कर सकते हो। अब आपको मैं बताता हूँ 8x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, 8x1 हमारा लास्ट मल्टीप्लेक्सर होगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो कौन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब 8x1 में आपको मैं बताता हूँ कि आउटपुट कैसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। थर्ड हमारा है 8x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसे भी मैं क्या करूँगा, 2 के पावर में ब्रेक करूँगा, यानी 2 का पावर 3 इंटू 1, ठीक है। यानी 3 हमारा क्या हुआ, सिलेक्शन लाइन हुआ, 3 क्या हुआ हमारा, सिलेक्शन लाइन हुआ, ठीक है। और ये टोटल जो 2 का पावर 3 हुआ, ये आपका क्या हुआ, इनपुट हुआ। और 1 आपका इनपुट कितना हुआ आपका, टोटल 8 हुआ। और जो आउटपुट आपका आया वो कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब बात आती है इसके डिज़ाइनिंग की, ठीक है। अब आप मल्टीप्लेक्सर को कैसे बनाते हो, तो 8x1 के लिए नंबर ऑफ इनपुट हमारे कितने होंगे, टोटल 8 होंगे, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप ये समझ गए कि नंबर ऑफ जो हमारे इनपुट है वो 8 है, और सिलेक्शन लाइन हमारे कितने, 3 है, ठीक है। अब आपको पता है कि मल्टीप्लेक्स 8x1 में जो आपको नंबर ऑफ इनपुट होगा वो 8 होगा और आउटपुट 1 होगा, सिलेक्शन लाइन 3 होगा। अभी मैंने आपको बताया था कैसे, ठीक है। ये मान लो मेरे पास 8x1 का मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे, 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ठीक है। सिलेक्शन लाइन कितने होंगे आपके, 3 होंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 क्या हुए आपके, सिलेक्शन लाइन हो गए, ठीक है। आउटपुट आपके क्या होंगे, 1 होंगे, है ना, एक ही आउटपुट होगा आपका। ये फंक्शन, इसी फंक्शन को मुझे लिखना है, ठीक है, ये फंक्शन क्या होगा।
ये हमारा हुआ आई नॉट, ये हमारा हुआ आई वन, ये हमारा हुआ आई टू, ये आई थ्री, दिस इज़ आई फोर, दिस इज़ आई फाइव, दिस इज़ आई सिक्स, दिस इज़ आई सेवन, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा 8x1 का मक्स है, नंबर ऑफ़ इनपुट कितने हैं आपके, सिलेक्शन लाइन कितने हैं यहाँ पे, तीन है, यानी नंबर ऑफ़ सिलेक्शन लाइन कितने हैं, तीन है, है ना। तो तीन बिट, तीन बिट का मतलब कितना हुआ, कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, नंबर ऑफ़ जो बिट आपके हुए वो कितना हो गया, नंबर ऑफ बिट थ्री है, तो कॉम्बिनेशन कितना बना आपका, टोटल 2 का पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। तो 8 कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिख लूँगा, देखो 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 ठीक है 0 1 0 0 1 1 1 0 0 ठीक है 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ठीक है। अब इसको हम क्या करूँगा, मान लो ये तीनों इनपुट था मेरा एस नॉट एस वन एस टू, ठीक है, ये मैंने तीन सिलेक्शन लाइन लिया, तो ये हमारा क्या हो गया एस नॉट एस वन एस टू, तीनों का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें क्या हुआ एस नॉट एस वन एस टू, ठीक है, ये क्या हुआ हमारा एस नॉट एस वन एस टू, ठीक है, एस नॉट एस वन एस टू, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ एस नॉट एस वन एस टू, ये हमारा क्या हो गया एस नॉट एस वन एस टू, ये क्या हो गया एस नॉट एस वन एस टू, ये हमारा क्या हो गया 111 मतलब एस नॉट एस वन एस टू, ठीक है। अब अगेन आपको करना क्या है, अगेन आपको वही जो मैंने बताया था पहले कि करना क्या है, इसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ का मतलब क्या हो रहा है, आई नॉट क्या, आई नॉट आपका ये इनपुट है, जो भी आप यहाँ से इनपुट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अगर मान लो मैं 0 दे देता हूँ या 1 जो भी देता हूँ, उसके साथ क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका फंक्शन क्या आने वाला है, देखो फंक्शन क्या आने वाला है, फंक्शन क्या आएगा आपका एस नॉट एस वन एस टू, ठीक है, तीनों का कॉम्प्लीमेंट प्लस, सॉरी यहाँ पे आई नॉट भी आएगा, आई नॉट प्लस, ठीक है, एस नॉट एस वन एस टू, ठीक है, ये आया हमारा डॉट आई वन प्लस एस नॉट एस वन एस टू आई थ्री, कॉम्प्लीमेंट किसका है ये दोनों, ठीक है, प्लस एस नॉट एस वन एस टू आई फोर, इसमें किसका कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी आई नॉट आई वन, ये आई टू हमारा, ठीक है, दिस इज़ वन दिस इज़ आई थ्री, आई थ्री में देखो क्या है आपका ये कॉम्प्लीमेंट है ना, प्लस फिर क्या है एस नॉट एस वन एस टू आई फोर, आई फोर में देखो क्या कॉम्प्लीमेंट है एस वन एस टू, ठीक है, प्लस एस नॉट एस वन एस टू आई फाइव, ठीक है, आई फाइव में देखो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है एस वन कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, प्लस अब क्या आएगा फिर मेरा एस नॉट एस वन एस टू आई सिक्स, आई सिक्स में देखो किसका कॉम्प्लीमेंट है एस टू का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, प्लस अब हमारा क्या है एस नॉट एस वन एस टू आई सेवन, आई सेवन में किसका कॉम्प्लीमेंट है देखो किसी का नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया फंक्शन आ गया। अब आपको करना क्या है बेसिक, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया फंक्शन आया है ना, यही हमारा क्या आएगा आउटपुट आएगा। अब देखो इसमें कोई याद रखने की चीज़ ही नहीं है, अब 16 क्रॉस का होता तो ये 4 बिट का बनता है ना कॉम्बिनेशन, टोटल 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनता है। आई नॉट आई वन क्या है, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल यहीं पे ले लेता हूँ, सपोज करो कि ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक हम एग्जॉर गेट लगा रहे हैं, ठीक है, एक एग्जॉर गेट लगा, सॉरी और गेट चलो मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, और गेट में मैं दे देता हूँ 2 पिन, मान लो ये 0 ये 1, बाकी मैं सब पिन को क्या कर रहा हूँ 0 कर रहा हूँ। देखो सर्किट ऐसे ही बनेगा, ठीक है, इसमें कोई गेट लगा देगा या कोई ए बी फंक्शन दे देगा, फिर बोलेगा कि मिनिमाइज़ करके बताओ क्या होगा, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ से लगाया तो सारा का टर्म सारा मेरा क्या हुआ, ये पूरा का क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, केवल मेरा जो एक्टिवेटेड रहा वो क्या रहा एक्टिवेटेड ये वाला रहा। तो देखो एग्जॉर मैंने और गेट लगाया तो 0 प्लस 1 क्या होता है 1, 1 को पास करेंगे तो आपका आउटपुट क्या जाएगा एस नॉट कॉम्प्लीमेंट एस वन एस टू डॉट 1, यानी एस नॉट कॉम्प्लीमेंट एस वन एस टू कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आपका फंक्शन है। अब आपका सिलेक्शन लाइन चेंज करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेसिक मैंने आपके साथ यही शेयर किया कि कैसे हम लोग मल्टीप्लेक्सर को समझते हैं, मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट लिखते हैं, इनपुट कैसे देते हैं, सब चीज़ के बारे में बेसिक मैंने बताया। अगली वीडियो में क्या करूँगा, क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा कि मल्टीप्लेक्सर में जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के आते हैं, कैसे आप डिज़ाइन करते हो, इनपुट कैसे देते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं, सभी चीज़ों के बारे में क्रिस्टल क्लियर आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ एंड टेक केयर फॉर योर हेल्थ एंड योर फैमिली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।